नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल में और मैं हूं आपके साथ दीपक कोपड़ा। इस वक्त हम लाइव हुए हैं असंध महिला पुलिस स्टेशन से, जहां पर आप देख सकते हैं एमएम पब्लिक स्कूल असंध गाइड विंग की अनोखी शुरुआत। राखी लेकर बहनें पहुंची बहनों के पास। असंध एसएचओ महिला एसएचओ यहां पर पहुंच चुकी हैं रेखा जी, और अब शुरुआत एक अनोखी शुरुआत की जा रही है एमएम पब्लिक स्कूल असंध की गाइड विंग के द्वारा। राखी के पावन पर्व पर सीधी लाइव और स्पष्ट तस्वीरें आप सबके सामने पहुंच रही हैं BN24 आपकी अपनी आवाज़ पर। जो भी साथी हमारे साथ जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें, सभी साथियों से अपील। और वन बाय वन मिलते हुए एमएम पब्लिक स्कूल असंध की गाइड विंग असंध महिला पुलिस स्टेशन पहुंची है राखी के पावन पर्व पर एक अनोखी शुरुआत लेकर। एक संदेश है ये आप सब के नाम, और जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी को हमारे चैनल की तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सल्यूट का सिलसिला शुरू सल्यूट के साथ साथ इंट्रोडक्शन भी दी जा रही है। आप देख सकते हैं एमएम पब्लिक स्कूल असंध की गाइड विंग के द्वारा यहाँ पर मैम से सहयोग करके धन से तस्वीरों को, और ये जो मोटिवेशन फॉर स्टूडेंट्स एक्सीलेंट कमेंट किए जा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। इसमें इवेंट्स में जो होते हैं वो मुख्य होते हैं, जो बाकी हैं वो हो चुके हैं, पर वो लोग जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं सभी से अपील कि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें। एक अनोखी शुरुआत असंध के एमएम पब्लिक स्कूल की गाइड विंग जो यहां पर पहुंची है, और उनके सम्मुख हैं असंध एसएचओ महिला रेखा जी। अच्छे हो, हमें भी अच्छी खुशी हुई है कि आप लोग हमारे से मिलने आए हैं, और हर वक्त हमारा सहयोग रहेगा आपके साथ। मैं आपको यही मैसेज देना चाहूंगी कि मैं ये चाहती हूँ कि हर बच्चा मेरे से भी बड़ा अफसर बन के यहाँ तक आए, और लड़की तो हमेशा लड़की ने तो ध्यान रखना है कि हम अपने पैरों पर खड़े हुए, ताकि हमें किसी की ना सुननी पड़े, ना किसी के अधीन रहना पड़े। अगर हम अपने पैरों पर खड़े होंगे तो एक शान की एक अच्छी जिंदगी जिएंगे। तो आपने बढ़ चढ़ के पढ़ाई में भी और अपने शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहना है, मेहनत करनी है। जब इंसान मेहनत करता है तो उसका फल एक दिन जरूर मिलता है, और आप सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। असंध महिला एसएचओ राकेश जिन्हें सभी बच्चों को संदेश दिया कि आप भी कुछ बनना, हमसे बड़े अधिकारी बनना, अपने देश का, अपने माता पिता का, अपने हलके का नाम रोशन करना, अपने स्कूल का नाम रोशन करना, अपने गुरुजी को नाम रोशन करना। और आप देख रहे हैं राखी बांधी जा रही है एक बहन के द्वारा, बड़ी बहन को राखी बांधी जा रही है छोटी बहन के द्वारा। महिला थाना में सचो रेखा जी के द्वारा साथ मिलकर राखी के पर्व को सेलिब्रेट किया जा रहा है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। थैंक यू। बस भी टप्पे ना दो, क्योंकि मैं इनको शायद ना रखूंगा गुरु जी। ना ना कोई बात नहीं, ठीक है।
राखी के पावन पर्व पर असंध महिला स्टेशन से हम आपको लाइव दिखा रहे हैं और मौके पर है असंध महिला पुलिस स्टेशन की SHO रेखा जी, जिन्होंने इन बच्चों के साथ खुशी खुशी यह पर्व मनाया है। MM पब्लिक स्कूल असंध की गाइड विंग यहां पर पहुंची है। आओ ना सर प्लीज, नज़दीक आ जाओ सर प्लीज, आओ सर प्लीज। मैम इस साइड आए प्लीज, आप लड़के ऊपर रेखा मैम मास्क एक मिनट के लिए बेटा, थोड़ा सा आप भी नीचे कर लो, ये स्कूल के लिए यादगार पल रहेगा हमारे लिए। इस यादगार पल को अपने कैमरे में कैद करते हुए सभी साथी जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, बेटा मैम को भी बांधो ना, बहने बहनों के पास आई है। ब्रेसलेट पहनाओ बेटा। बेहद शानदार पल है ये आप सभी के लिए, और जो भी साथी हमारे साथ जुड़े उन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दें। और इस शुभ अवसर पर हमारे वरिष्ठ पत्रकार ईश्वर जी को भी असंध महिला SHO अपने हाथों से राखी बांधते हुए, राखी का पर्व भारत के सबसे महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है। भाई बहन का प्यार, बहनें इस दिन अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं, उनकी कामयाबी की कामना करती हैं, उन्हें दुआएं देती हैं, और भाई भी बहन को वचन देते हैं कि हम आपकी हर वक्त मदद करेंगे, चाहे जैसे भी हो हर संभव मदद करेंगे। ये दिन जरूर आएगा, अफसर बन के आओ। बहुत मेहनती लड़की है मैम। अप्लाई किया है जो फॉर्म में, और मुंह मीठा भी कराया जा रहा है यहाँ पर मिठाई के द्वारा। स्टाफ को मिठाई देकर के खिला करके आएंगे आप। ये सुनहरे पल जो भी साथी हमारे साथ जुड़े उन्हें शेयर जरूर कर दें। एक अनोखी शुरुआत की गई है इन बच्चों के द्वारा। BN24 आपकी अपनी आवाज पर लाइव हम आपको दिखा रहे हैं और चेहरे खिले हुए हैं, सभी के चेहरे पर मुस्कान है जो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। सभी बच्चे बेहद खुश और पूरा स्टाफ भी बेहद खुश है इन बच्चों के इस प्यार प्रेम को देखकर। लेकिन जो भी बंद है मिठाई खिलाई से 15 खाने पड़े। कुलदीप शर्मा कमेंट कर रहे हैं, वेरी नाइस दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बलकार जी बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबको भी रक्षाबंधन के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्काउट विंग MM पब्लिक स्कूल असंध, स्काउट के बारे में जो बात करें तो हम 217 देशों के अंदर यह संस्था प्रचलित है स्काउट विंग, और 1906 के अंदर एक अंग्रेजी अधिकारी ने इसकी शुरुआत की थी ताकि सभ्य समाज का निर्माण किया जा सके और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी हमेशा मदद की जा सके। एक सोच के द्वारा इस स्काउट विंग की जो स्थापना की गई थी एक अंग्रेज अधिकारी के द्वारा 1906 के अंदर, और ये सभी बच्चे इनके अंदर हौसला है, जुनून है कि हम अपने असंध हल्का वासियों के लिए, देशवासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए कुछ कर गुजरे, उनका नाम रोशन हो, इसी उम्मीद के सहारे ये लगातार प्रैक्टिस करते हैं, कोचिंग लेते हैं। और इनके जो सर हैं हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरह से इन बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, किस तरह की इन्हें बातें सिखाई जाती हैं, और किस तरह से बच्चे आगे चलकर अपने माता पिता, अपने स्कूल और अपने
इलाके का नाम रोशन कर सकते हैं। सीना तना हुआ देख सकते हैं आप इन बच्चों का। ना क्या नाम है आपका? सौरभ। कहाँ से हो आप? बड़ा से। बड़ा से आज आप यहाँ आए हो, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। थोड़ी आवाज ऊंची रखो। अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है सर। क्या बनना चाहोगे आप? पुलिस। आप पुलिस बनना चाहोगे जी? आप आईएएस। आईएएस। उसके लिए किस तरह की तैयारी कर रहे हो सर? पढ़ना है, लोगों के बीच में जाना है, मदद करनी है लोगों की सर। बहुत बहुत जी। आप जी? मेरा नाम अमन है सर। अमन जी। अमन जी आप क्या बनना चाहोगे? सर मैं बाहर विदेश जाना चाहूँगा। विदेश? जी सर। अच्छा जी, विदेशी क्यों? सर पढ़ाई कर रहा हूँ मैं अभी। अच्छा अच्छा। और मैं गेम खेलता हूँ। पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी रुचि हाँ। रखते हो आप? जी सर। बहुत अच्छी बात है, शुभकामनाएं अमन आपको। आपका नाम क्या है? पीयूष। पीयूष, पीयूष आप क्या करना चाहते हो अपने देश के लिए? एनडीए आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हो आप? यस सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी बच्चों को हमारे चैनल की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। असन से हम आपके सर को बुलाइए। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं और पुलिस थाना के बारे में जानकारी देते हुए यहां पर किस तरह से काम किया जाता है। बच्चों को जानकारी देते हुए यहां पर रेखा महिला पुलिस SHO जो हमें खर्चा दिखाती है डोमेस्टिक वायलेंस के केस जो हैंडल करेगी, तो वो प्रोटेक्शन ऑफिसर होती है। तो अभी तो वो जैसे मीडियम में हुई है यहाँ असल में, अभी तो करनाल में भी जाना होता है जिसमें खर्चे वगैरह का कोई केस करना होता है। अब जब तक हमने ड्यूटी ऑफिसर का रूम बनाया, ये पब्लिक की बैठने की चेयर होती है, ये मेल होते हैं जो भी यहाँ ये बैठती है, वो चेयर होती है प्रॉपर यहाँ बैठती है। ये ऐसे जो बना होता है उधर सभी बच्चों को वन बाय वन रूम के बारे में जानकारी देकर बताते हुए ये जो बोर्ड लग रहा है, ये आज तक का जब से थाना बना है तब तक के ऐसे चुके नहीं है यहाँ, और ये हमने बोर्ड लगा रखा है जो भी हमारे हाई कोर्ट वगैरह में केस होते हैं उनकी जैसे याददाश्त के लिए। ये जो स्क्रीन लग रही है ये इसलिए होती है कोई भी अगर वीडियो कॉन्फ्रेंस से कोई भी हमारे अफसर कोई दाद देना चाहे तो उस टाइम पे स्क्रीन। बैठो आप सभी एक बार बैठो बेटा, कैसा लगता है आपको? देखेंगे आप एक दिन, आप सभी ने भी अफसर बन के इस चेयर तक आना है, ठीक है? सभी बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए कि आपने भी अधिकारी बनना है। कैसा लगा आपको? कैसे एक दो चेयर लगवा दो साइलेंट कर, वो प्लास्टिक की मंगवा दे या तो फिर रुक जाएंगे ना वैसे कैसे। आइए हम रेखा मैम से बातचीत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। मैम कैसा लग रहा है आज एक महिला दूसरी महिला से ये अपेक्षा करती है कि आप उनकी रक्षा करेंगे जिस तरीके से एक भाई अपनी बहन की करते हैं? नहीं आज बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी एक फीलिंग आती है जब भी मैं कॉलेज स्कूल में जाती हूँ या स्कूल के बच्चे हमारे पास आते हैं तो हमें भी अपने दिन याद आते हैं। उस टाइम पे हम भी ये सोचते थे कि एक दिन जब भी हम थाने का टूर होता था स्कूल की तरफ से तो हमारे अंदर एक भावना होती थी कि हम भी एक पुलिस अफसर बन के कभी ना कभी तो थाने चौकी में बैठेंगे अफसर बन के। तो हमने स्टार्ट से ही मेहनत किया। मैं सभी बच्चों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि जैसे जिस तरीके से हमने एक अपना टारगेट बना के यहाँ तक पहुँचे हैं तो सभी बच्चे भी एक टारगेट बनाएं जिस भी फील्ड में जाना
चाहते हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो। तो सभी से, सभी को मेरी शुभकामनाएं और मैं यही सभी से दुआ करूंगी कि सभी एक दिन बड़ा अफसर बन के चमके। रक्षाबंधन के देशवासियों को, बहनों को शुभकामनाएं आपकी तरफ से। क्या जी जी, इस अवसर पर ये ऐसा अवसर होता है कि जो एक अलग से रिश्ता होता है एक बहन का और भाई का, तो उस अवसर पर मेरी तरफ से सभी बहनों और भाइयों को शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।